साथियों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल अर्थ मोटिवेशन पर। मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी। हम वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर जो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, एपी किसे कहते हैं यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जैसे लिखा हो 2, 5, 8, 11 डॉट 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 दसवां पद ज्ञात कीजिए। दसवां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने का अंतर है। यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर भी 3 का अंतर है। अगर इस श्रेणी में समान अंतर आए तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको बनाने के लिए लोग फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला कौन सा है? हम कहेंगे प्यारे बच्चों, ए बराबर हमारा 2 होगा। अब निकालेंगे डी बराबर, डी को बोलते सर्वांतर, ए को बोलते प्रथम पद। डी बराबर होता है a2 - a1। क्या होता प्यारे बच्चों, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। अब a2 कितना है हमारा, a2 5 है -a1 2 है बराबर 3 आया। दसवां पद ये क्या दिया प्यारे बच्चों, ये दिया है tn बराबर दसवां पद। क्या करेंगे, सूत्र से लगाएंगे इसको पहले बेसिक से। ये होता है tn a प्लस n माइनस 1 डी। tn कितना प्यारे बच्चों, 10 है, तो यहां पर रख देंगे 10 बराबर ए कितना है 2 है प्यारे बच्चों 2। यन कितना है 10 माइनस 1 गुणे डी कितना है सर्वांतर हमारा 3 निकला हुआ है 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 9 गुणे 3, 9 * 27 प्लस 2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 29। आंसर हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 29। क्या हम एग्जाम में इस तरह लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। आइए अपना हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक यूनिक तरीका जिससे जल्दी होगा। प्यारे बच्चों, कभी भी दसवां पद ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी में तो हम क्या करेंगे, दसवां पद है टी एन बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों दसवां पद, इससे एक कम लेंगे यानी कि हो जाएगा 9। कितना जगह प्यारे बच्चों, एन जगह 9 हो जाएगा, ये होगा ए प्लस 9d। प्यारे बच्चों क्या करना है, इससे एक कम लिखना है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक वैल्यू कितना दिया है 2 9 और d बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों सर्वांतर दिया हुआ 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 27 बराबर 29। प्यारे बच्चों हम इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 142, 148, 154 डॉट डॉट बरौवा पद क्या होगा। हम वो क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर्स में 2018 में पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन बताने से पहले हम एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, अगर कहीं पर दिया हो प्रथम पद यानी ए बराबर 2 दिया हो और डी बराबर दिया हो प्यारे बच्चों 7 और क्या दिया हो टी एन बराबर दिया हो कितना प्यारे बच्चों 10, यानी दसवां पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से नहीं लगाएंगे, जो सूत्र होता है टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। प्यारे बच्चों क्या करना है, tn जगह कितना दिया हुआ 10 दिया है, इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पर 10, एक वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस n की वैल्यू कितना दिया है 10 माइनस 1, d वैल्यू कितना दिया है 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यानी हो जाएगा 10 में से एक गई 9 गुणे 7, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 9 * 63 बराबर 65, जो हमारा टी एन की वैल्यू में आएगी प्यारे बच्चों 10 का, वो हमारा आंसर
कौन सा 65 आ गया। क्या हम एग्जाम में इस तरह लगाएंगे? नहीं लगाना प्यारे बच्चों, हमें दूसरों से आगे कैसे निकलना है अपना एक यूनिक तरीका बताते हैं जो हम पहले क्वेश्चन समझा चुके हैं। आइए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको क्या कहा था कि टी एन इससे एक कम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी 10 बराबर ए प्लस 10 से एक कम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 डी। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 लिखेंगे और 9 लिखेंगे गुणे डी का वैल्यू कितना दिया है, 7। डी हमारा सर्वांतर होता है, ए क्या होता है प्रथम पद होता है, इसका आंसर होगा सॉरी प्लस है, यानी 2 प्लस 63, 9 से 63 बराबर 65। हमारा टी एन की वैल्यू 10, यानी कि आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 65। आइए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीका से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समांतर श्रेणी 142, 148, 154 डॉट डॉट ब्रह्म पद क्या होगा, हम क्या करेंगे पहले इसको चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर प्यारे बच्चों, 6 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 6 का, यहाँ पर भी 6 6 बढ़ता चला जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्रह्मा पद ज्ञात कीजिए, कितना करेंगे ब्रह्मा पद, तो ए बराबर हमारा कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 142। अब हम डी निकालेंगे, डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, अब इसको हम क्या करेंगे ए टू कितना 148 माइनस 142 बराबर 6। अब टी एन कितना दिया प्यारे बच्चों, टी एन जो दिया है हमारा 12वां पद, कितना दिया 12वां पद। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो हमने अपना एक यूनिक तरीका बताया है, टी एन की जगह क्या रखेंगे 12, टी एन जगह क्या रखेंगे 12, तो हो जाएगा ए प्लस इससे एक कम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11 डी। अब एक वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 142 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणे डी, डी की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 6, तो यहाँ हो जाएगा 142 प्लस 11 छक्का 66, ये हो जाएगा यानी कि 6 2 8 6 4 10 यानी 208। हमारा जो निकलेगा टी एन की वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 208, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 17 22 27 32 डॉट डॉट इस श्रृंखला में 20वां पद ज्ञात कीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 16 तारीख 10वां महीना 2018 शिफ्ट नंबर दूसरे में आया हुआ। प्यारे बच्चों हमने क्या बताया है, पहले चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में कि नहीं है, ये देखिए कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 17 5 22 5 का अंतर है प्यारे बच्चों, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है। आइए इसको हम पहले वेश लगाते हैं फिर अपना हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए क्या होता है, ए बराबर 17 और हमारा क्या होगा डी, सर्वांतर ज्ञात करना है, ए टू माइनस क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए टू 22 ए वन 17 बराबर 5। प्यारे बच्चों अब टी एन कितना दिया हमारा, टी एन दिया है 20। अब क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन की जगह कितना प्यारे बच्चों 20 है, तो 20 लिखेंगे। अब ए कितना है 17 प्लस एन कितना है 20 है, यहाँ 20 लिखेंगे माइनस 1, डी कितना है 5 गुणे 5 लिखेंगे, हो जाएगा 17 प्लस 19 गुणे 5। अब 17 प्लस 19 बचे 95, कितना प्यारे बच्चों 95, इसको जोड़ेंगे हम 7 5 12 और 9 1 10 11, हमारा जो आंसर आएगा हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर सी। हम लेकिन क्या करेंगे, अब एक यूनिक तरीका बताएंगे जो हमने बताते हुए आए, आइए देखते हैं क्या करना प्यारे बच्चों, हम वही बनाएंगे टी एन, क्या लिखा है टी एन, टी एन एन जगह टी एन कितना दिया है बच्चों 20 दिया है, तो 20 रखेंगे हो जाएगा ए प्लस इससे एक कम करेंगे हो जाएगा 19 डी।
आप यहां पर रख दीजिए ए बराबर कितना प्यारे बच्चों 17 प्लस 19 गुणे डी कितना आता है बच्चों 5 हो जाएगा 17 प्लस 95 320 बराबर निकल जाएगा हमारा 112। प्यारे बच्चों हम ये ऐसी मैथड बता रहा हूं, ऐसा कि यूनिक ट्रिक है ये कि आप 2 से 3 सेकंड में आंसर ले आएंगे। हम औरों से आगे कैसे अच्छा करेंगे, हम इसी में क्वेश्चन आप सारा सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा बेस था, लेकिन अब हम बेस पे नहीं लगाएंगे, बट हम एक यूनिक तरीके से लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 .. में 30वां पद क्या होगा। हम वो क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2018 में, सिर्फ समांतर श्रेणी से। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम अब बेसिक नहीं लगाएंगे, जो हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया है एक यूनिक तरीका, हम उसी पे अप्लाई करेंगे। क्या दिया प्यारे बच्चों, देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर हुआ करता हुआ चला जाएगा। तो हम जान जाएंगे प्यारे बच्चों एक समान एक क्रम में है, एक समान अंतर में है, तो हम समांतर श्रेणी में है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 और डी बराबर क्या आ जाएगा a2 - a1। a2 11 है -5 = 6 और tn कितना दिया प्यारे बच्चों 23वां पद, कितना दिया 23वां पद। अब क्या करेंगे यहाँ पर t 23 लिखेंगे a प्लस इससे एक कम हो जाएगा ये 22d। अब रख दीजिए प्यारे बच्चों एक वैल्यू कितना है 5 + 22 × 6, इसको गुणा कर लीजिए प्यारे बच्चों 6 × 12 × 13 बराबर 137। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा प्यारे बच्चों। एक ऐसा यूनिक तरीका है जो हम 3 से 4 सेकंड में आंसर ले आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्शन का साथ लेंगे जो कि हम दूसरों से कितना जल्दी सोच सकते हैं या कितना फास्ट निकल सकते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम वही ऑप्शन लेंगे जो 8 से विभाजित हो जाए। जिसको 8 का विभाजिता का नियम नहीं पता है, उसको 4 का भी विभाजिता का नियम पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, 4 का रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 14 4 से नहीं कटेगा, 11 4 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 13 4 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। जब 3 ही गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझे महाराज क्या करेंगे, 4 से भाग कर लीजिए, 4 × 3 = 12, ये 4 भी कट गया और 8 से भी कट जाएगा, हमारा आंसर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है -3 -8 -13 -18 .. अनुक्रम में पहली 10 संख्या का योग क्या है। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आप सब लोग बनाइए, फिर हम बताते हैं। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन बना चुके होंगे। जो लोग इस पर बनाए होंगे, हमने क्या कहा था कि tn कितना दिया हमारा 10, यहाँ 10 होगा और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस इससे कम करेंगे 9d। जो भी इस पर बनाए होंगे प्यारे बच्चों ये गलत होगा। आइए पहले हम इसका लॉन्ग तरीका देखते हैं, यानी कि बेसिक देखते हैं, फिर हम अपना एक यूनिक तरीका बताएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे समांतर श्रेणी में है, देखिए यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी -5 - -5 का अंतर है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे a बराबर कितना है हमारा -3, अब d बराबर कितना है समांतर a2 - a1। क्या करेंगे a2 कितना है -8 है, माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, माइनस प्लस हो जाएगा ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 3। अब हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा tn जो दिया कितना हो जाएगा
आठ प्लस तीन बराबर माइनस पांच। अब टीएन कितना दिया है, टीएन ने हम निकालेंगे इसमें एसएन योग आ जाएगा, तो एसएन बराबर दिया है दसवा। इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों एसएन बाई एन बाई टू ब्रेकअट टू ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रेकअट वन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों एसएन की जगह पर हमने क्या रखेंगे दस, एन की वैल्यू कितना है दस बटा टू। अब टू गुणे एक वैल्यू कितना है हमारा माइनस तीन, यह हो जाएगा माइनस तीन प्लस एन की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों दस है माइनस एक, डी की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों माइनस पांच माइनस पांच। अब क्या करेंगे काट देंगे दो पंचे दस ये पांच हो जाएगा, दो तिहाई छ प्लस नौ गुणे माइनस पांच। क्या करेंगे प्यारे बच्चों गुणा नहीं लिखेंगे ब्रेकट बंद हो जाएगा माइनस पांच, नौ पचे पैतालीस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों नौ पचे पैतालीस यानी माइनस पैतालीस हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर माइनस पैतालीस पांच और पैतालीस छह इक्यावन यानी माइनस इक्यावन प्यारे बच्चों। इससे हम गुणा कराएंगे तो हमारा एस एन बराबर आ जाएगा पांच इक्के पांच पचहम पच्चीस दो सौ पचपन, दो सौ पचपन हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेसर था जो कि हम कंपटीशन में ऐसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ चार से पांच सेकंड में कैसा आंसर आएगा आइए हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं यूनिट ट्रिक। हम क्या बताते प्यारे बच्चों हमने जब कहीं पर भी यानुवा पद ज्ञात करना हो कौन सा यानुवा पद के लिए हमने क्या बताते प्यारे बच्चों टी एन यानी अगर मान लो टी एन ए प्लस डी यही बता रहे प्यारे बच्चों, कोई पद दे दिया जाएगा उससे कम करेंगे। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे एस एन एन बाई टू क्या हो जाएगा एस एन एन बाई टू हो जाएगा यहां पर टू ए प्लस टू ए प्लस एन से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर दस है यहां पर नौ हो जाएगा नौ डी। यही फॉर्मूला अपनाएंगे जब भी योगफल ज्ञात करने को कहे या योग ज्ञात करने को कहे तो क्या करेंगे एस एन कितना दिया प्यारे बच्चों दस दिया है एन के वैल्यू हम दस लिखेंगे बटा टू लिखेंगे यानी टू ए, ए कितना दिया प्यारे बच्चों हमारा माइनस तीन दिया है तो माइनस तीन हो जाएगा, नौ कितना दिए देखिए दस है इसे कम लिखेंगे तो यहां हो जाएगा नौ गुणे डी सर्वांतर कितना दिया प्यारे बच्चों माइनस पांच ब्रेकट बंद दो पंचे दस यहाँ पांच हो जाएगा प्यारे बच्चों दो तिहाई छ माइनस छ नौ पचे पैतालीस माइनस पैतालीस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस इक्यावन ये गुणा हो जाएगा इक्यावन गुणे पांच हो जाएगा दो सौ पचपन। देखिए प्यारे बच्चों हमने एक ऐसा यूनिक ट्रिक बता दिया है एक यूनिक मेथड बता दिया जिसका आंसर होगा दो सौ पचपन। आइए अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन है अंडर रूट टू कामा तीन अंडर रूट टू कामा पांच अंडर रूट का टू कामा सात अंडर रूट टू डॉट दसवां पद क्या होगा प्यारे बच्चों। अब भी पूछा है दसवां पद उसमें क्या पूछा था पहले क्वेश्चन में योगफल। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों हमने जिस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वही ट्रिक अपनाएंगे या वही मेथड कह सकते अपनाएंगे क्योंकि यहाँ पर दसवां पद कहा है तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दो का अंतर है यहाँ पर दो का अंतर है यहाँ पर दो का अंतर है प्यारे बच्चों ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू डी बराबर क्या निकलेगा ए टू माइनस ए वन यानी कि ए टू कितना है थ्री रूट टू माइनस रूट टू हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों ये कितना बचेगा टू रूट टू यहाँ पर एक लिखेगा तो तीन में से एक गया दो बचेगा तो टू रूट टू। अब टी एन कितना दिया प्यारे बच्चों हमारा दसवां दिया है। अब क्या करेंगे टी एन दस लिखेंगे ए प्लस दस से कम लिखेंगे नौ डी हो जाएगा ए रूट टू प्लस नाइन गुणे डी वैल्यू कितना प्यारे बच्चों दो रूट टू प्यारे बच्चों आप कौन सा आंसर आ जाएगा
नौ दुनी 18, यहाँ हो जाएगा रूट टू प्लस 18 रूट टू, जुट जाएगा प्यारे बच्चों 19 रूट टू, जो हमारा टी 20 निकलेगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा 19 रूट टू। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों सातवां क्वेश्चन है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। इसमें क्या करना प्यारे बच्चों, हम ऑप्शन की मदद लेंगे ना कि हम इसको बेसिक लगाएंगे। बेसिक लगाएंगे हो सकता है फंस जाएं, लेकिन हम ऑप्शन का साथ लेंगे जो कि औरों से कितना बेटर सोच सकते हैं। आइए देखते हैं विकल्प से क्या कह रहा है कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल कितना होना चाहिए 483। सबसे छोटे भागों का गुणनफल कितना चाहिए 483 प्यारे बच्चों। जब कभी भी नोट करके लिखेंगे, नोट कर समांतर श्रेणी में कभी भी तीन पद मानना हो तो अगर हम माने प्यारे बच्चों 69 लिखा है, 69 को तीन भागों में हमें बांटना है, तीन भागों में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a माइनस डी, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों a प्लस डी, इस तरह मानेंगे। बट ऐसा प्रोसेसर बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन से कितने जल्दी लगाएंगे आइए देखते हैं। चेक करेंगे कि इन दोनों का गुणनफल 483 होता है। देखो 9 त्रिक 27, यहाँ पर इकाई का कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना इकाई का अंक है 7 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7 की 21 वहां पर 3 इकाई का अंक है, यहाँ पर एक आ रहा है इकाई का अंक, कितना था प्यारे बच्चों 1 आ रहा था, ये भी नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें देखिए 5 दिया 15 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक कितना रहा 5 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक कितना रहा प्यारे बच्चों 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो चौथा क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं, 2 × 3 करेंगे यानी कि 3 × 1 = 3, इकाई का अंक 3 आ रहा है प्यारे बच्चे। और सबसे पहला जो छोटी भी संख्या है हमारा ऑप्शन टी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। ये आर आर भी आरपी 5 × 1 = 19 में आया पहली सूत्र प्यारे बच्चों। ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये 1 सेकंड में लग जाएगा, हम ऑप्शन की मदद से लगाएंगे इसको। क्या करना है पहले देखना है जिनका योग 15 हो, क्या 15 आ रहा है, देखिए प्यारे बच्चों 9 × 5 = 14 = 15 आ रहा है। अब देखेंगे इनका गुणनफल 105 आएगा, 9 × 5 = 45 नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन गलत। इसमें देखेंगे 7 × 5 = 3 = 15 आ रहा प्यारे बच्चों, देखेंगे गुणनफल इनका 105 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 × 6 = 35 35 × 3 कितना होगा प्यारे बच्चों 105, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होगा, चेक कर सकते हैं कितना होगा 8 × 7 = 56 ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन है, यदि 11, 17, 23 … 1 समांतर श्रेणी में है तो ब्रह्मवा पद ज्ञात कीजिए। आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सबका आंसर आ गया होगा। क्या करना प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया था, जहां पर ब्रह्मवा पद ज्ञात करना हो हमने वही फॉर्मूला लगाएंगे जो 2 से 3 सेकंड में लग जाए प्यारे बच्चों। क्या करना है टी एन की जगह क्या लिखना है 12 लिखना प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा इससे कम लिखेंगे हो जाएगा 11 बी। अब प्यारे बच्चों ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर 3 है, कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 + 11 × d, डी कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों a2 − a1, 17 में से 11 गई 6 बचेगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 11 × 66 कितना प्यारे बच्चों एक हमारा 11 है प्यारे बच्चों 11 है यहाँ पर 11 × 66 और प्लस 11 कर देंगे 77, ऑप्शन नंबर हमारा ए प्यारे बच्चों। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अब हम मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर शॉर्ट ट्रिक का अगले वीडियो में। नेक्स्ट डे जय हिंद।